अगली खबर में बात करते हैं मध्य प्रदेश के रीवा जिले की, जहां बदहाल सड़कें और सड़कों पर आवारा जानवरों के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को लेकर मऊगंज विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने चिंता व्यक्त की है। श्री तिवारी ने अपने आवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान विभागीय अधिकारियों के साथ साथ सरकार पर निशाना साधा। आइए सुनते हैं पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने किस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रीवा जिले में और पूरे संभाग में भी कहें, सड़कों की हालत इतनी दयनीय है और ख़ासतौर पर रीवा के अगर ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों पर हम जाएं तो स्थिति ये है कि रीवा का ये PWD का ई, हमको लगता है कि इसकी जांच हो जाए तो सबसे बड़ा घोटालेबाज ये, तो एक पहली बात तो ये एजुकेटिव इंजन है नहीं, ये SDO है और इसमें कर रहा है और इतना बड़ा माने भर्रा खाता कर रहा है, इतना बड़ा क्राइम कर रहा है कि छोटे छोटे लोग तो पकड़े जा रहे हैं, पटवारी बाबू फलाना, वो ठीक है हम उसके समर्थन में है, जो लोकायुक्त कार्रवाई कर रही है बहुत सही कर रही है और अपने हिसाब से जो जानकारी उनको मिलती है सही कर रही, पर मेरा अनुरोध है कि PWD के ये जिस तरह से ये हमारे यहाँ भल्लाशाही चल रही है और लूट मची है जिसके कारण सड़कों की दुर्दशा है। पहले तो सड़क में गड्ढा होते थे, अब गड्ढे में सड़क हो गई है, तमाम चारों तरफ जो हल्ला डफल्ला है कि पूरे महापौर कर रहे हैं, फलाने कर रहे हैं, रीवा की सड़कों की दुर्दशा ये है और मवेशियों को खास तौर पर कि हर मोहल्ला में 10-25-50 मवेशी आराम से विचरण कर रहे हैं, यहाँ तक कि मेरे दरवाजे पर तो चारों तरफ गोबर ही गोबर है, पर आज सरकार इस दिशा में कोई काम ही नहीं कर रही है, गोबर प्लांट लगाने की दिशा में कोई न तो जनप्रतिनिधि बोल रहा है, ये बोलता है कैरा प्रथा से नुकसान हो रहा है, इसके लिए किसान धरनों पर बैठे हैं पर उनके समर्थन में कोई न राजनीतिक दल न गोबर प्लांट लगाने के लिए जो मैंने विगत 4 सालों से आंदोलन चला रखा है उसके विषय में एक भी जनप्रतिनिधि का बयान नहीं आया, आज जबकि मेरा गैर राजनीतिक है, मैं राजनीति में हूँ या नहीं हूँ ये तो बाद में जनता तय करेगी, पर जो लोग ये जानते हुए भी मूक दर्शक बने हुए हैं, एक शब्द भी नहीं बोल रहे, ऐरा प्रथा के बारे में नहीं बोल रहे, गौवंश के बारे में नहीं बोल रहे, पृथक बिंद प्रदेश बनाया जाए इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, इसके तमाम मैं नौजवानों को काम दिया जाए इसके लिए नहीं बोल रहे हैं, हमारा महंगाई पर तो ये बोलते हैं महंगाई हो गई, महंगाई मेरा ये कहना है कि महंगाई तो केवल और केवल इससे बढ़ रही है फिजूल खर्ची के कारण, सरकार जायज और नाजायज, जायज काम कौन सा करें नाजायज काम कौन सा करें, अगर सरकार की फिजूल खर्ची हट जाए तो मैं समझता हूँ कि महंगाई में कंट्रोल हो जाएगा। और इसी सिलसिले में कल अपने हिसाब से जवा क्षेत्र जो डभौरा से लेकर बहुसराबा से लेकर और तमाम चारों तरफ फैला हुआ है और तराई क्षेत्र का कल एक बहुत बड़ा सम्मेलन हमारे साथियों ने किया है और मैं समझता हूँ कि उस सम्मेलन में भी ये बात करेंगे और उस सम्मेलन में हमारे किसानों का धरना चल रहा है, हमारे शिक्षकों का धरना चल रहा है, हमारे कर्मचारियों का धरना चल रहा है, हम उसका समर्थन भी करेंगे और उनके आंदोलन को गति देने का भी काम करेंगे और हम और हमारे तमाम साथी कल के जो जवा में दोपहर 2 बजे से सम्मेलन होगा वो एक इतिहास रचेगा इस बात के लिए कि अपने से लोग भी लक्ष्मण तिवारी के सभा में आएं, क्योंकि सब जानते हैं कि मेरे पास धन की बहुत बड़ी भरमार नहीं है, मैं तो काम चलाऊ व्यक्ति हूँ और जन जन तक ये जानकारी है कि मेरे पास धन नहीं है, पर धन इतना जरूर कम नहीं है जितने में हमारा काम न चल जाए, काम चल रहा है, अपने से लोग कल जब आएंगे जवाब में तो इतिहास कायम होगा।